सर सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते, आपको शिवरात्रि मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर। जैसे कि कुमारडुंगी में आप देख रहे होंगे 3 से 4 जगह पूजा हो रहे हैं, आप लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं सर आज के दिन को? सबसे पहले तो कुमारडुंगी के सभी लोगों और बाबा के सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी ओर से प्रशासन की ओर से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। यहाँ पे 3-4 जगह है जहाँ पे पूजा हो रही है। बेसिकली एक आपके बाजार के पास एक ये प्रखंड परिसर में हो रही है, और एक बामे डेरी करके जगह है वहाँ पे हो रही है। लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से सभी जगह पे नजर रखी जा रही है कि सभी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा कर सके, सभी बाबा का दर्शन कर सके, और कोई भी किसी भी तरह का अगर अप्रिय घटना या कोई असामाजिक तत्व अगर आप लोगों को अगर दिखता है, या अगर कुछ ऐसा कुछ कोई भी घटना के बारे में अगर कुछ भी हो, तो आप लोग तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। आप लोग सबके पास नंबर होगा, आप थाना को खबर कीजिए। फिर लगातार पेट्रोलिंग तो हो ही रही है, उसी में सारा चीजों में नजर रखी जा रही है। सर अब तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी न्यूज नहीं है, और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग के माध्यम से सभी पे नजर रखी जा रही है। सर थाना प्रभारी यहाँ पे कौन है? सर थाना प्रभारी हमारी महिला पुवानी अंकिता सिंह है, जो लगातार नजर बनाए हुए है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, हम लोगों को दिशा निर्देश दे रही है। थाना प्रभारी अभी पूजा भी कर रही है? हाँ, वो बेसिकली आज वो पूजा करती है, महाशिवरात्रि के दिन वो उपवास रखती है, और कुमारडुंगी के सभी निवासियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि शांतिपूर्ण माहौल रहे यहाँ कुमारडुंगी में, किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए वो पूजा पाठ करती है।